हम कुछ नहीं मांग रहे हैं हुकूमत से, माँ सिवाय जो फैमिलीज हैदरपुरा एनकाउंटर में जो जहाँ उनके उनके मारे गए वो डेड बॉडी मांग रहे हैं, उनकी डेड बॉडी तक उनको नहीं दी जा रही है। यहाँ तक के एक पीसफुल प्रोटेस्ट कल कर रहे थे वो प्रेस कॉलोनी में, उनको वो तक करने नहीं दिया। कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मैं कम से कम एहतजाज नहीं करूँगा, मैं बाकी दरवाजे खटखटाऊंगा, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, उनको एसपी के दफ्तर बुलाया गया, फिर उनको कंट्रोल रूम बुलाया गया, और हम ये उम्मीद लिए बैठे थे कि अब उनको बॉडी मिलेगी, वो दफनाएंगे, और उनको कहा गया कि आप चले जाओ, दो तीन दिन के बाद देखेंगे। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी आवाज़ जो है उन फैमिलीज के साथ जोड़ दूं और मैं कोशिश करूं कि उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए। मुझे कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं फ़िलहाल, मैं किसी के लिए सज़ा नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद माना कि ये सिविलियन है, क्रॉस फायरिंग में मारे गए, इनको पुलिस के ज़रिए उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी डेड बॉडीज़ हंदवाड़ा से निकाली जाएं, फैमिलीज़ को लौटा दी जाएं, ताकि सही तरीके से यहाँ पे उनको दफन किया जाए। मुझे मुझे मैंने आपसे कहा ना, मेरा इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं, मेरा अगर इंक्वायरी से मेरा अगर मकसद इंक्वायरी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता, मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जो एक नया ट्रेंड चला है हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताया जाता है, अब मुझे पहले कोई ये समझाए ना कि हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़। ऊपर थोड़ा मुझे भी 6 साल हुए एज चीफ मिनिस्टर, मैंने भी यूनिफाइड कमांड का वो हेड किया है, मैंने भी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स दिए हैं, मैंने तो कभी हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम नहीं सुना। यहाँ तक कि दुनिया भर की खबरों पर मैं नज़र रखता हूँ, मैंने किसी मुल्क में हाइब्रिड मिलिटेंट का टर्म इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। तो पहले हमें ये समझाएं ना अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़, उसके बाद हम फिर इस पे तबसरा करेंगे कि कौन था कौन नहीं था। सो डू यू थिंक दिस इज अ यू नो जेनोसाइड फॉर द कॉमन पीपल? देखिए ना, मैं ये जबान इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप डिक्शनरी पढ़ के देखिए ना, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है।